कुछ लोगे? नो सर, थैंक यू। मेहरू कहाँ है? सेफ हाउस पे सर। गॉट। अच्छा, उसे खान के हवाले करना होगा। जी, खान के हवाले, लेकिन सर वो, ये बहुत जरूरी है, हमें उसका एतमाद हासिल करना है। ठीक है सर, मेहरू का जो बयान है वो भी डिलीट कर दूं। What? ये तुमसे किसने कहा? Just do as I said and no arguments, okay? Sir. You may go now. शहबाज, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तुम्हें खान के पास जाना है, उससे बात करनी है। हाँ, कुछ लेन देन का ही मामला है। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ। ओके। गुड बॉय, शाबाश। गुड मॉर्निंग जैन। चैनल पे जा रही हो? जी, वहीं जा रही हूँ। शो करने? जी। सही कर रही हो क्या? मम्मी, आप मेहरू की डीवीडी देखेंगे? नहीं। आपसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप बाबा के साथ रह सकेंगे? हम दोनों का ना बहुत पुराना रिश्ता है, ये इतने कच्चे रिश्ते होते नहीं है। जहां अच्छे वक्त गुजर गए हैं ना, बुरे भी गुजर जाएंगे। ये तुम अपनी जिंदगी में ना बाद में समझा करोगी ऐसी बातें, अभी तुम बहुत छोटी हो। और उस सरवत के बारे में जानने, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके, स्टे सेफ। बाय। शाबाश। आर यू रियली सीरियस? यस। आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो? खान अभी तक बहुत ताकतवर है, हम अपनी से सारी कोशिशें कर चुके हैं मगर सब बेसुध साबित हुए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहां नहीं रहूंगा, यहां से चला जाना ही मेरे लिए बेहतर है। मुल्क छोड़कर तुम पहले भी जा चुके हो, क्या मिला तुम्हें? देखो अनवर, यहां रहकर हम खान को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। नहीं याकूब, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते। तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो अनवर, ये आखिर तुम भी जानते हो कि खान खान कैसे बना? हकदाद खान था वो। वो माजी था याकूब, कल का हकदाद आज का खान है, दुनिया जिसके इशारे पर चल। देखो अनवर, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। राहत मुझे बता रही थी कि खान मुझे मारने का फैसला कर चुका है। एक बार मैं बच चुका हूं, खान दोबारा गलती नहीं करेगा, इसलिए मेरे यहां से चले जाना ही बेहतर है। ओके, एज यू लाइक। तो तुम्हें रोकूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम जल्द लौट कर वापस आओगे। मुझे तुमसे एक बात कहनी। बोलो। वो राहत जिस घर में रहती है, उस घर की फाइल तुम मुझे दे सकते हो? तुम साथ रहोगे? नहीं, मैं वो फाइल राहत को दूंगा, उसके पास सर छुपाने के लिए भी कुछ हक नहीं।
ठीक, लेकिन मुल्क छोड़ने वाली बात पर अभी भी गौर करना। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया याकूब। मुझे इजाजत। पाकिस्तान कब आई? कल। अच्छा, तो क्या प्लान है? कहाँ पे रह रही है? कहाँ रहूंगी, अपने घर में रह रही हूँ। ओ, तो इसका मतलब पापा से सुलह हो गई? बातचीत चल रही है। नायला और राहत पापा कैसी हैं? ठीक हैं। तुम घर आ जाओ। नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता। बेटा, पहले मैं यहाँ नहीं थी तो अलग बात थी ना, नाउ आई एम बैक, तुम बस घर आ जाओ अब। नहीं मामा, मैं वहां नहीं आ सकता। देखो, जो तुम अपने पापा के बारे में सोच रहे हो ना, वो शायद ऐसा नहीं है। यू कुड बी रॉन्ग अबाउट हिम। ठीक है मामा आपकी बात, लेकिन मेरे पास भी बहुत सी बातें। आप प्लीज मुझे कहीं बाहर मिलो। ठीक है, मैं तुम्हें कहीं मिलने आ जाती हूँ, मसला नहीं है, लेकिन ये सब कुछ रिजॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ये सब नहीं चल सकता, मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता ये सब। मैं ऐसे बट नहीं सकती तुम लोगों के बीच, और खुशी तो मेरी खातिर, प्लीज ट्राई। मामा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। तो मेहरू को डिस्कवर कर लिया आप लोगों ने? आप बताइए खान साहब, मेहरू का क्या करना है, आपके हवाले या? वैसे भी दुनिया की नजर में तो वो मर चुका है। वो जो मेरे खिलाफ डीवीडी तैयार हुई है, कब कर रहे हैं उसको होने? मिल जाएगी आपको, उसका डेटा भी मिल जाएगा। बस इतना ही दम था खान साहब, समझ लीजिए सब कुछ खत्म, कुछ हुआ ही नहीं था, बस आप दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। दोस्ती धोखा दुश्मनी एक ही लफ्ज से शुरू होते हैं ये तीनों, दाल से एक और लफ्ज भी शुरू होता है, अगर वो कह दूंगा तो आपके चेहरे का रंग फक हो जाएगा। आप बताइए चाहते क्या है? सवाल ही आप हैं, हाथ आप लोगों ने फैलाना है। सरवत बेगम की हुकूमत में शमूलियत, बदले में जो डील बनाना चाहें बना सकते हैं। याकूब चाहिए है मुझे। याकूब? ये मामला थोड़ा मुश्किल है, आप जानते हैं कि मामूली इंसान नहीं है याकूब। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, उसकी सारी फैमिली पॉलिटिक्स में, आधी हुकूमत में और आधी अपोजिशन में। तो मैं डील कैंसिल समझूं? नहीं, याकूब को हम साइड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्क्रीन आउट नहीं कर सकते। देखिए खान साहब, हम चाहते हैं कि सरवत बेगम हल्फ उठाने से पहले हुकूमत में आ जाए। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। तुम इन सब की ना कॉपीज बना के अच्छी तरह से पढ़ के मुझे पॉइंटर्स भेज देना, ठीक है? और पता तो करो वो न्यूज ऑथेंटिक है भी कि नहीं। हाय हाय, क्या हुआ? नहीं, क्या कर रही हो? मैं तो बस प्रोग्राम की तैयारी कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? मैं अभी एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग से आ रहा हूँ। बोर्ड को इस प्रोग्राम पे कई रिजर्वेशंस हैं। उनका मानना है कि इसके ऑन एयर होते ही थ्रेड्स भी आ सकती हैं और कोर्ट में केस सू भी हो सकता है। आई डोंट बिलीव दिस। हम लोग हफ्तों से इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। मैं खुद बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं, उनका अचानक इस तरह मना करने का मतलब तुम समझ जाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस मुल्क में क्या हो रहा है। जी, यहाँ सबके मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए, किसी एक का एतराफ दूसरे को मुश्किल में डाल सकता है। I'm sorry, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। अरे मैंने तुमसे मगरमच्छों से दोस्ती करने का कहा था, तुम तो खुद मगरमच्छ बनने की कोशिश करने लगे। मैं समझा नहीं खान बाबू। देखो बच्चों, तुम एक सादा मासूम सच्चे सीधे साधे इंसान हो, और ये जो सियासत और सियासतदान लोग हैं ये बड़े मकार लोग हैं, इनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। खान मामू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसीलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि एक बार जीत गया ना, इन सब करप्ट सियासतदानों की छुट्टी कर दूंगा। अरे अच्छू जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? यूरोप या अमेरिका क्यों नहीं चले जाते हैं? वहाँ भी पार्टी का ऑफिस। मैं चाहता हूँ वहाँ जाके तुम अपना ऑफिस बनाओ, कोई कारोबार कर। देखो वहाँ जाके अपना ऑफिस बनाओ, कोई बिजनेस करो, मेरी किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें हेल्प आउट कर दूंगा। खान मामू प्लीज, मैं सियासत करना था। मेरा बच्चा, मैं नहीं चाहता कि तुम सियासत में रह के किसी मुसीबत में पड़ो। जब तुम्हें गोली लगी थी तो राहत आपा का क्या हाल हुआ था, इसका तुम्हें इल्म है? इसलिए ना तो मैं तुम्हें सियासत में आने का मशवरा दूंगा और ना ही इलेक्शन लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी एडवाइस यही है कि यू शुड स्टे आउट ऑफ दिस प्लीज। वो अलग बात है कि अगर राहत आपा इलेक्शन लड़ना चाहें तो मैं लगवा देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जीत जाएंगे। अब अच्छी तरह ये सोचो। मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ, सोच रही हूँ डिजाइन कर दूँ। और हम कर भी कह सकते हैं, अंदाजा करो, हमारे पास गवाह हैं, सबूत हैं, अदालतें मौजूद हैं, मैं खुद पुलिस वाला हूँ। इमेजिन, लेकिन फिर भी हमारे हाथ इन लोगों के गरीबानों तक नहीं पहुंच सकते जो इस मुल्क को अपनी जागीर समझते हैं। कोई किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि नाम लेते हुए पर जलते हैं। God sakes, हम अपनी जानों पर खेलकर सबूत और गवाह इकट्ठे करते हैं, अपनी जानों पर खेलकर रिसर्च करते हैं, चीजों और स्कैंडल्स को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस मुल्क में करप्शन का रास्ता रोका जा सके और उन लोगों को पकड़ा जाए जो इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या फायदा, क्या होता है आखिर में? सियासी मफाहमत।
पॉलिटिकल बार्गेन, क्योंकि आज मेरी और कल तेरी बारी तो आनी है। गली मोहल्ले की क्रिकेट बना के रख दिया सियासत को इन लोगों ने। डैम इट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। सही कहते हो तुम, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। यू नो, ये जो गला सड़ा सिस्टम है ना, ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। ये हमें खत्म करेगा, गला देगा हमें, क्योंकि जो यहां वफादार है वो वहां गद्दार है, जो वहां वफादार है वो यहां गद्दार है। अजीब ही कोई मुल्क है जहां हम रहते हैं। तो अब तुम क्या करोगे? क्या कर रहे हैं? रिजाइन करूंगा और जाऊंगा किसी दूसरे मुल्क में, और क्या कर सकता हूं? That's the only option. कम से कम इन inconsiderate लोगों के लिए खुदकुशी तो नहीं कर सकता। यहां जो सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है ना, वही सबसे ज्यादा कामयाब है। जी exactly, ऐसा ही है। खैर छोड़ो, खाना क्या? एक्सक्यूज मी, तो कब तक चलेगा ये सिलसिला आपका और पापा का? शायद हमेशा। मैं तो तुम सबके लिए वापस आई हूं, परेशान थी, देखना चाह रही थी कि मेरे बच्चे कैसे हैं। आप जानती हैं ना कि अब हम लोगों को यहाँ नहीं रहना। जानती हूँ। अच्छा है तुम लोग मेरे पास लंदन आ जाओ, लेकिन आने से पहले अपने बाबा से जरूर मिलना। ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? मेरी वजह से तुम उनसे खफा हो ना? हाँ, लेकिन अब और भी रीजंस हैं। शायद वो सब ऐसा ना हो जैसे तुम समझ रहे हो। हो सकता है ना हो, लेकिन अब आई डोंट केयर। बेटा, ये वही बाप है जिसने अपनी उंगली पकड़ा के ना तुम्हें चलना सिखाया था। डोंट ट्रीट हिम लाइक दिस प्लीज। I don't know what to say. I don't know what to do. आप समझ रही ना मुझे? परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे पता है बहुत मुश्किल वक्त है हम सबके लिए अभी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो सब संभालना है, मेरा, नीलम का, नायला का, और कौन ख्याल करेगा? तुमने तो सबका ख्याल रखना है आगे जाके। प्लीज, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी डिपेंड ऑन यू, हमें तुम्हारी जरूरत है। आई लव यू टू। बच्चे कब आ रहे? शबाना से मिलने गए, उन्हें वक्त तो लगेगा। हकदाद का क्या बना? उसका कुछ नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं, यही बताने आया था कि मैं जा रहा हूं मुल्क छोड़ के। अनवर, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे भरोसे घर छोड़कर चली आई, और अब तुम भाग रहे हो, मुल्क छोड़कर जा रहे हो? क्या करूं, सब तदबीरें उल्टी हो गई। तो फिर पहले इतने वसूख से क्यों कहा था वक्त हमारा आने वाला है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? मेरी गलती थी। मैं क्या करूंगी अब, कहां जाऊंगी? मैं तो घर भी छोड़ आई, बच्चे लेके वहां से निकल आई, मेरे पास तो अब कोई जगह नहीं रही। तुम यहीं रहोगी, ये घर तुम्हारा है। ये घर मेरा नहीं है अनवर, कोई घर मेरा नहीं है अब। ये लो, ये घर तुम्हारे नाम है, यही कर सकता था तुम्हारे लिए। नहीं अनवर, रख लो राहत,
मैं जानता हूं इस दुनिया में सिवाय मेरे तुम्हारा कोई है नहीं, और जो कुछ मैंने तुमसे करवाया है ये उसका सिला समझ के रख लो। मैं चलता हूं। जिस दिन सरवत हलफ उठाएगी उस दिन घर पे एक बहुत बड़ा डिनर रखा है, उसमें तमाम हुकूमती वुजरा और सीएम भी शिरकत करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों को बुलाने का मकसद? तो हुकूमत में शमूलियत और क्या। अब्बा जी, मैंने आपसे कहा था मैं हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। आखिर इसमें हर्जी क्या है सरवत? देखो, कामयाब सियासतदान वो होता है जो सही वक्त पर अच्छी और स्मार्ट मूव ले, और इस वक्त इससे अच्छी और स्मार्ट मूव कोई नहीं हो सकती, मेरा यकीन करो। मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ अब्बा जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मत भूलो कि ये हमारी जद्दी पुश्ती सीट है, तुम्हारी सीट नहीं है, ये जमील के बाद तुम्हें मिली है। ये आप भूल सकते होंगे, मैं नहीं। मैं जमील ही के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही हूं। सरवत, सरवत, मैं आपके जज्बे और मिशन की कदर करता हूं, लेकिन वक्त के साथ साथ खुद को भी तो बदलना चाहिए। अब देखे ना, आपकी जगह अगर जमील होता तो वो भी यही करता। लेकिन मैं हुकूमत के करप्ट टोले का हिस्सा नहीं बन सकती। कम ऑन, हर कोई करप्ट नहीं होता। मैं करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाऊंगी और हक के लिए लड़ूंगी। यहां हक मिलता ही कहां है? और बाय द वे, कौन से हक की बात कर रही हैं? प्लीज फॉर गॉड सेक बी रियलिस्टिक। यहां जो निजाम है वो है ताकत का, मनी मेकिंग का। और ये जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं ना, ये जज्बात से नहीं दिमाग से काम लेते हैं। याकूब ठीक कह रहा है, जज्बाती मत बनो, हमारी बात मान लो और हुकूमत में शामिल हो जाओ। मैं ऑपोजिशन का ही हिस्सा रहूंगी। अपने लोगों के मसाइल की आवाज बनूंगी। अपने वोटर्स से बेईमानी नहीं करूंगी। ईमान और ईमानदारी, अरे ये बातें सिर्फ किताबों और सियासी जलसों में अच्छी लगती हैं, और कौन है जो बेईमान नहीं है? 100 बेईमानों में एक ईमानदार आवाज काफी होती है। देख रहे हो इसका तेवर? यानी खुद सियासत की अली बे नहीं जानती, और चलिए हमें समझाने। आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं, आपके गुस्से से कुछ बदलने वाला है। क्या करें, सीएम का बार बार फोन आ रहा है, वो बहुत बड़ी ऑफर कर रहा है। अच्छा, वो भी देख लेते हैं। आप प्लीज रिलैक्स हो जाए। खाक रिलैक्स हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? खाना खाता हूं। परेशान क्यों?
तो बताएं क्या बात है। मैंने तुम्हें शायद खान के हवाले कर दिया जाए। खान के हवाले क्यों? ऑर्डर्स हैं ऊपर से। तो फिर मुझे बचाया क्यों था? मार देना था। वैसे भी इस मुल्क में हजारों बेगुनाह लोग रोजाना मारे जाते हैं, मेरी तो कोई वजह भी है। यूं ही मारे जाने से बेहतर है किसी के काम आना। अपने मुल्क के, अपने लोगों के काम आना। अब किसके काम आ रहा हूं? इसी मजबूरी की वजह से मैं एक आम आदमी से खान का अहम आदमी बन गया। ये मजबूरी भी ना बड़ा ही मजबूर करती है। चाहता तो मैं भी बहुत कुछ था कि तुमसे काम लूं, लेकिन क्या करूं, ड्यूटी की वजह से हाथ बंद गए हैं मेरे। वो जो काम जो मुझसे लेना था उसी कंफ्यूजन में हूं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक काम करो, खान के पास जाने के बजाय तुम वही रास्ता इख्तियार करो जो मैंने तुम्हें दिखाया है। ठीक है, आपकी जो मर्जी हो करें। Ask you right. ये जो आपके ऊपर है ना सारे, ये सब भी खान के जैसे, खान के जैसे ही है। खान के जैसे क्या मतलब? मैं समझा ना, खान भी अपने मफाद के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है, किसी की भी जान की परवाह किए बगैर वो अपनी बात मनवाता है, चाहे वो कितनी भी गैर कानूनी या गैर अखलाकी ही क्यों ना हो। ये जो तुम्हारे बॉसेस हैं ना, ये भी खान के जैसे हैं, जो किसी भी हद से गुजर जाते हैं। खान बुरा है मगर ये उससे भी बुरे हैं, बल्कि खान से ज्यादा बुरे हैं कि जो पारसाई का लिबादा हो उसकी छतरी के नीचे रसवाई का काम करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, ये खबर पढ़ी तुमने? ओह, तो हम गलत समझ रहे थे। मम्मी आप इतना अपसेट क्यों रहने लगी है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, बस मुझे तुम लोगों की फिक्र रहती है। लगता है पापा ने ये खबर नहीं पढ़ी। उन्होंने शायद ये खबर खुद प्लांट की हो मुझे इम्प्रेस करने के लिए। हो सकता है।
ठीक है, उसके पेरेंट्स आ रहे हैं मिलने। क्या तो यही रहा था, आप देखते हैं। मुझे नहीं लगता आएंगे मिलने। क्यों? बेटा अगर वो नहीं आए ना तो तुम गिर अपसेट, अपने आप को संभाल लेना। नो मम्मी, काश मैं तुमसे ये बात पहले कर सकती थी कि औरत की जिंदगी में शादी पूरा मकसद नहीं होना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमन टू मेक हर ओन लाइफ आल्सो। दैट्स अ गुड चेंज। लेकिन मेरे इस सोच से दुनिया नहीं बदलेगी, ओवरऑल सोसाइटी विल नीड टू चेंज। चले एटलीस्ट काम तो हो रहा है ना, इसी तरह लोगों के माइंडसेट चेंज होंगे। गॉड नोज कब चेंज होगा। डोंट वरी, जरूर चेंज होगा, एक ना एक दिन तो चेंज होगा ना। तुमने नाश्ता किया? नहीं। चलो आओ नाश्ता करते हैं। ओके। हाँ हाँ, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बाई इलेक्शन था, नहीं तो जीतना तो था ही। देखना ये हमारी पुश्तों की पुरानी सीट है, पहले मैं इस सीट पे जीतता रहा, फिर जमील, और उसके बाद अब उसकी बीवी। सही कहा आपने, सही कहा। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा हबीब भाई, मैं फिर आपका इंतजार करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ इसमें? ये खबर किसने लगाई है? जिसने भी लगाई है, पर वक्त लगाई है। अब्बा जी, आप एक झूठी खबर पे खुश हो रहे हैं। ये तुम्हारा शदीद रद्दे अमल किसी बात की गमबाजी कर रहा है। मुझे अपनी बात के लिए किसी रद्दे अमल की जरूरत नहीं है। तो साफ क्यों नहीं बता देती कि तुम्हें किसका इंतजार है? अब्बा जी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सच बयान कर रहा हूं। आप नहीं जानते। मैं ही सब कुछ जानता हूं। क्या जानते हैं आप? मैं नहीं, पूरा मुल्क जानता है कि खान तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखता है। ऐसा आप सोच रहे? काश ये मेरी सोच होती। देखो सरवत, खान अब खत्म होने वाला है, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। अब्बा जी, खान की अहमियत है या नहीं ये मेरा मसला नहीं है, ये आपके मसाइल हैं। तो फिर खान से शादी कौन करना चाहता था? खान से शादी करना ना मेरी ख्वाहिश है, ना मुझे याकूब से शादी करने का शौक। मेरे दिल में सिर्फ जमील बसे हैं। कैसी हो? ठीक हूं।
गुड। क्या करना है मुझे? किस बारे में पूछ रही हो? मतलब मेरी जीत में तुम्हारा बड़ा रोल रहा है। मेरी इलेक्शन कैंपेन में तुमने बहुत काम किया है, कोई तो गर्ज होगी तुम्हारी। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ करता हूँ उसमें कोई खर्च शामिल नहीं होते। मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट नहीं, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सीएम साहब की तरफ से मिनिस्ट्री की ऑफर भी है। तो क्या सोचा तुमने? मेरा जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो हकदाद। वैसे उन्होंने तुम्हारा रेफरेंस भी दिया था, कहा था खान से आपकी मुलाकात हुई होगी, मिनिस्ट्री की बात भी की थी। मैंने भी कह दिया बात हुई थी तुमसे। दरोग कोई अच्छी बात नहीं होती है। ये दरोग कोई नहीं है, अब तुम चाहे जो समझो। वैसे तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। होती भी तो ना करता। आज का अखबार पढ़ा तुमने? क्या नया है उसमें? न्यूज लगी है एक कि मैं और याकूब जल्द शादी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने तरदीद नहीं मांगी। बताना मेरा फर्ज था। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम आज भी यही सोचती हो और समझती हो कि मैं जमील का कातिल हूं? सारे गवाहों, सारे बयानात के बावजूद, सब कुछ बड़ी अच्छी तरह समझ के बावजूद यही समझती हो तुम कि तुम्हारे शौहर को मैंने मारा है? मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ। हाँ, लेकिन तुम्हारी इस बात से मैं क्या समझूं? छोड़ो, कोई और बात करो। शबाना लंदन से वापस आ गई है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। तो फाइनली मियां बीवी में सुलह हो गई। अच्छा चलो, एक बात मैं पूछती हूँ तुमसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे ऑपोजिशन में बैठना चाहिए या हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए? घर बैठो, घर, हुकूमत हो या ऑपोजिशन, अजाब आने वाला है, सब पे अजाब आने वाला है। पेशगोई है या इशारा है? अकलमंद के लिए इशारा है। खुदा हाफिज़।